हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं हृदय गौतम जी से, जो मंडल प्रभारी हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। सर, आज यहाँ जो बैठक हुई थी, एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन हुआ था, प्रशिक्षण किया गया बामसेफ के द्वारा, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल पे? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पे हमको समय दिया यहाँ बोलने के लिए। उसके बाद जितने श्रोतागण हमारी बात को सुन रहे हैं, उसको तहे दिल से उन लोगों को जय भीम जय मूल निवासी। ये जो आज कैडर कैंप आयोजित किया गया है बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक के अंतर्गत, इसका मेन मकसद उद्देश्य यह है, इस कैडर कैंप के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बुद्धिजीवी वर्ग और कर्मचारी वर्ग को एक यूनिटी में लाने के लिए, यूनाइटेड करने के लिए, ये मकसद ये है हम लोगों को कैडर कैंप करने का, जिससे हम एक शक्ति का निर्माण कर सकें बगैर दुश्मन के, क्योंकि हम लोग अपने संगठन में दुश्मन की एंट्री नहीं होने देना चाहते हैं। और जो हमारे लोग कुछ लोग पिछलग्गू बन करके घूमना चाहते हैं, वो दुश्मन के बगैर सहयोग के अपने घर से नहीं निकलना चाहते हैं, अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक तो है दुश्मन के बगैर सहयोग के वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन सुहागरात नहीं मनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बगैर दुश्मन के एंट्री के हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। ये मकसद मेन है कैडर का। सर, आप अभी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए अभी आपने कहा है, कैसे बनेंगे जो हमारा समाज ही बिखरा हुआ है, उसको कैसे ये करेंगे? ये हो सकता है इस चीज़ को आप मान रहे हो हमारा समाज बिखरा हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता हमारा समाज बिखरा हुआ है। ये दुश्मन के द्वारा बिखराया गया समाज है। हम लोग यूनिटी में थे, हम लोग एकता में थे, ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक का इसका प्रमाण है। लेकिन जिस यूनिटी और संगठन में ब्राह्मण प्रवेश करता है, उस संगठन का सत्यानाश करता है। ये इतिहास से सबक सीखना होगा, वर्तमान में भी सत्यानाश किया है। जिस प्रकार से दूध में एक बूंद भी नींबू पड़ जाए दूध फट जाता है, उसी प्रकार का बहुजन मूल निवासी समाज में एक भी विदेशी जत प्रवेश कर गया तो उस संगठन का सत्यानाश होगा, एक दिन निश्चित है। वो हस्त्र आप लोगों के सामने है, वो दोबारा हम लोग इस देश में नहीं होना चाहते हैं। जो इतिहास से हम लोग सबक लेकर के दोबारा एंट्री नहीं करना देना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध धम्म में ब्राह्मणों ने एंट्री किया, सत्यानाश किया, बाबा साहब के द्वारा शादी करा करके बाबा साहब की हत्या कराई गई, इसका पुख्ता साबूत है जो उन्होंने बुक लिखा नानक चंद्र दत्तू ने। और वर्तमान में जिसको हम लोग अपनी पार्टी कहते हैं, उस पार्टी में प्रवेश करते हुए पार्टी का सत्यानाश किया। जो हम लोगों का वोट ऑफ परसेंट 31-32 हुआ करती थी, आज बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज 11-12% पहुंच गया। तब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे बामसेब के साथ ही पुराने जो कह रहे थे वही बात सही है। आपने अभी कहा कि ब्राह्मण के प्रवेश से हमारे समाज के ही तमाम सांसद और विधायक जीत करके गए हैं, और अपने ही समाज पर तमाम अत्याचार होती है, सदन में अपना मुँह यानी एक जैसे पहले जानवरों के जुताई की जाती थी, जाबा उसे बदलते थे, देहाती भाषा है, तो उसी तरह वहाँ पर उनके मुँह में एक लगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कहाँ ब्राह्मणवादी आई? इस बात सिर से जा रहे हैं, इस बात पे जो आप कह रहे हैं, संविधान लागू होने के बाद में जब हम लोगों के साथ धोखाधड़ी महात्मा गांधी एंड उनके कंपनी ने पूना पैक्ट थोप करके किया, तो उसी समय बाबा साहब ने कहा था पूना पैक्ट माध्यम से, उनके माध्यम से दलाल और भड़ुओं का निर्माण होगा, और ये जो राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है ये आने वाले समय में हम लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा। वही आज हो रहा है, जो पूना पैक्ट के माध्यम से ये दलाल और भड़ुओं का निर्माण हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो सही प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए वो सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। ये पूना पैट का ही देन है, सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं बगैर इस देश के बहुजन मूल निवासी से पूछे बगैर 10 साल का एग्रीमेंट जो रिजर्वेशन हमारा है राजनीतिक रूप से, अपने आप पार्लियामेंट में बढ़ा दिया जाता है। ये ब्राह्मणों का भी षड्यंत्र है, क्योंकि उसके माध्यम से वो अपने कुत्ते पालते हैं। इससे भी हम लोगों को सबक लेना चाहिए। लेकिन जो आपका सुझाव है कि अपने लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, हमें अपने लोगों से नहीं लड़ना होगा,
पहला काम हमें करना होगा, हमारे समाज के जो सांसद विधायक हैं हमें उनसे नहीं लड़ना होगा, अन्यथा यदि ऐसा हुआ तो जो दुश्मन चाह रहा है कि ये लोग आपस में लड़ाई करें वही हो जाएगा। इसलिए बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने जो दुश्मन है 3.5% ब्राह्मण उसका गला पकड़ लिया है, उसका जो मेन है RSS, 15 अक्टूबर को हम लोग RSS मुख्यालय नागपुर में घेराव करेंगे। और इसका डर के कारण उन्होंने 150 पैरामिलिट्री फोर्स लगाया हुआ है, आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी जानकारी होगा।